Morning students, welcome back in your math class. So today we are going to discuss our previous exercise, that is exercise number 16.2, because हमने इसमें ही कुछ questions नहीं किए हैं, ठीक है? तो let's start with our question, and our question number is, I think it's 7, yeah. A tile measure 10 centimeter and 10 cm multiplied by 10 centimeter, मतलब इसका जो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है वो क्या है, 10 है, ठीक है? इट मींस ये क्या हो सकता है, ये शेप हो सकता है स्क्वायर का, ठीक? हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ 4 मीटर एंड 2.5 मीटर, ठीक है? तो देखो उसने क्या बोला है कि एक वॉल है, मान लो सपोज यही वॉल है, ठीक है, और इतने सेंटीमीटर के टाइल्स जो है इस पूरे वॉल पे लगाने हैं, ठीक? तो टोटल कितने वॉल, कितने टाइल्स चाहिए इस पूरे वॉल को कवर करने के लिए, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है? आप कैसे करोगे? तो अगर हमें एरिया पता होगा, ठीक, किसका, हमें पूरे वॉल की एरिया पता हो और हमें एक वन टाइल्स की एरिया पता हो, तो जितना एरिया यहाँ पे कवर करेगा टाइल उतना ही यहाँ पे करेगा, वहीं उतना ही यहाँ पे टाइल्स करेगा, ऐसे करके मतलब ये उतना ही कवर करेगा, ठीक है ना? तो अगर हम टोटल एरिया से, जो हमारा वॉल की टोटल एरिया है, इस एरिया से, एरिया को हम टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर दें, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स होगा, ठीक है? मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो वन आपका टाइल्स है वो क्या कर रहा है, ये इतना सपोज ये स्पेस कवर कर रहा है, ठीक? तो ये इतने ही तो एरिया का ये कवर, सॉरी इतने ही एरिया का तो टाइल्स यहाँ पे स्पेस कवर करेगा ना, तो इसके क्या हो रहा है कि टाइल्स ही कवर कर रहे हैं, तो टोटल टाइल्स कितने लगेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ वॉल से हम एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ वॉल को हम एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। देखो अगर ऐसे ही इसको भी देखोगे तो ये एल इंटू बी है, ठीक है? तो आप जिससे भी रख लो, मैं रखती हूँ साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, क्या हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक? अब ये देखिए ये स्क्वायर में है, तो या तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं नंबर्स उनको आप सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है? तो लेंथ क्या गिवन है वॉल का, लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या है, 4 मीटर। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हो गया। ब्रेथ ऑफ वॉल ये क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर है ना, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर, आई थिंक 2.5 ही था, हाँ यही है, ठीक है? तो हम इसको क्या लिखेंगे, 250 सेंटीमीटर, 10 से ये डेसिमल हट गया, ठीक है? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, ठीक है? तो लेंथ क्या की मैंने, 400 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 250 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा 100 एंड 3 जीरोस है ना, तो ये 3 जीरो हो गया, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक? अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल को हम एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? एरिया ऑफ वॉल कितना है,
ये रहा स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ टाइल्स कितना है, 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, सॉरी सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये सेंटीमीटर ये भी हट जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे, आई थिंक इट्स 1000, हाँ 1000 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह करना है। 8 क्या है, हाउ मेनी पीसेस ईच मेजर 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ एंड ब्रेथ दी गई मैंने, ठीक है। कैन बी कट फ्रॉम अ सीट ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड वाइड 60 सेंटीमीटर। आपको ये पूछ रहा है कि एक सीट को कट किया जाए किस मेजरमेंट में, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर में, और उस सीट का लेंथ क्या है, 1.5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। तो टोटल कितने पीसेस होंगे, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। पहले आप उस सीट का एरिया फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और फिर जितने पीस में कट कर रहे हो उससे उसका एरिया फाइंड आउट करोगे, उसको डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 9th क्या कह रहा है कि अ लेंथ इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 2.5 रुपीज एंड 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। देखो इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, उस लेन का आप एरिया फाइंड आउट करिएगा, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मतलब एक ऐसे ग्राउंड है उसको लेवल करना है, ठीक है। तो लेवल हम एरिया में करेंगे ना, पूरा ऐसे लेवलिंग करनी है, ठीक है। तो 1 जो स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है वो 2 रुपीज 50 पैसे ले रहा है, तो आपको बताना कि टोटल एरिया का कॉस्ट कितना होगा। तो पहले से टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें हम 2.50 रुपीज 50 पैसे का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 10th क्या कह रहा है कि विच हैज अ ग्रेटर एरिया, अ रेक्टेंगल ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6.2 सेंटीमीटर वाइड और अ स्क्वायर ऑफ 9 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी एरिया बड़ी है, रेक्टेंगल की या फिर स्क्वायर की, और तो किसकी, ठीक। What is the difference in their areas? तो उनके areas में क्या difference है वो बताना है, ठीक। माइनस करिए आंसर मिल जाएगा, पहले एरिया दोनों का फाइंड आउट करिएगा, रेक्टेंगल का एंड फिर स्क्वायर का, और उसके बाद इसमें से ये बताना है कौन सा बड़ा, रेक्टेंगल की स्क्वायर, और जिसकी एरिया बड़ी होगी वो आपको बता देनी है, और उसके बाद बताना है कि इन दोनों के एरिया के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कितना डिफरेंस आया। तो माइनस कर दीजिएगा दोनों का, आंसर मिल जाएगा। हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये इजी वाले क्वेश्चन है, आपको बस कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके बताइएगा, ठीक है। बी क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 स्क्वायर मीटर एंड 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ थ्री स्क्वायर मीटर ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, मतलब 3 × 1 था तो 3 स्क्वायर मीटर ही आ गया। यहाँ पे क्या है, 3 मीटर स्क्वायर मतलब 3 × 3 रहेगा तो 9 मीटर आएगा, 9 स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। तो 9 स्क्वायर मीटर से हम क्या करेंगे, 3 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा, 6 स्क्वायर मीटर आंसर आएगा। 12th क्या कह रहा है, देखो ये 3 मीटर स्क्वायर दिया गया है, 3 मीटर स्क्वायर ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 3 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या 12th क्या कह रहा है कि विच ऑफ द 2 रूम इज बिगर, वन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर द फ्लोर आर 10 मीटर एंड 8.5 मीटर, और अनदर हुज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर आर 9.5 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। इनमें से कौन से दो रूम्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है, लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पे गिवन है और लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और देख लीजिए किसकी एरिया बड़ी, जिसकी एरिया बड़ी होगी वो रूम बड़ा होगा, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टैम्प्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कैन बी फिक्स्ड ऑन अ सीट ऑफ पेपर ऑफ 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, कितने स्टैम्प्स फिक्स किए जाएंगे एक सीट पे, एक पेपर का सीट है, ठीक है, जिसका ये डायमेंशन गिवन है, ठीक। तो आप पहले इसे एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा,
पेपर ऑफ सीट की, अगेन जो मैंने अभी सेवेंथ क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही, और फिर स्टैम्प्स की एरिया फाइंड आउट करिएगा और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा, देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। 14 क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑन बोथ द साइड ऑफ एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर स्क्वायर मीटर। अगेन आपको वही करना है, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, उस पर पेंटिंग आपको करनी है दोनों साइड, बोथ साइड का जो रेट है वो 1.25 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर है। तो पहले आप एरिया फाइंड आउट करिएगा और फिर उसके बाद उसमें 1.25 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। और पर इतना करिएगा, ठीक है, मे बी इसमें बोथ साइड दिया है ना, तो बोथ साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी एरिया से तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, अगर वहीं तक आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके आप अपने आंसर को देख सकते हो, ठीक। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत इजी वे में कर लोगे तो आपको टाइम भी मिलेगा, मिलता है, ठीक है, तो मैं इसको भी खत्म करती हूँ आज। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का क्या होता है, सम होता है, जब हम किनारे को पूरे ऐड करते हैं ना तो ये हमारा क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। वेट, आप फॉर्मूला लिखोगे जब सारा सॉल्व कर लोगे उसके बाद लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये फॉर्मूला था पेरीमीटर का। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। तो इस बेसिस पे आपको अपने अब जो नया एक्सरसाइज आ रहा है वो इसी बेसिस पे आपको करना है। जैसे फर्स्ट क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन, आपको पैरामीटर बताना है। तो चलो एक्सरसाइज भी बता देते हैं कैसे करना है। एक्सरसाइज 16.3, फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ क्या गिवन है, लेंथ है आपका 6 मीटर एंड ब्रेथ क्या है हमारा, ब्रेथ है हमारा 5 मीटर, ठीक है। देखो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो मैं यहाँ पे भूल गई लिखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें वैसे रेक्टेंगल के बारे में तो दिया नहीं है, लेकिन ठीक है, पेरीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, इट मीन्स कि आपको किससे पूछ रहा है, वो रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ये, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या दिया गया 6 मीटर एंड ब्रेथ क्या दिया गया 5 मीटर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 5 11 मीटर, और फिर 2 किस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करने हैं पूरा। हाँ, जहां पे आपकी मान लीजिए इसमें तो सारा यूनिट सेम है, अगर यूनिट नहीं सेम होता है तो आपको यूनिट सेम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 725 मीटर लॉन्ग एंड 300 मीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स पेरीमीटर इन किलोमीटर एंड मीटर। देखो पहले तो आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर बताना है, तो आप पहले पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, तो वो मीटर में फाइंड आउट होगा, ठीक है। और फिर मीटर को क्या करिएगा आप, और कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया ना, ऐसे सेम ऐसे ही लिखोगे, पेरीमीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू दिस, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू दिस, इसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ को आप ऐड कर दीजिएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद उसको क्या करिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को आप उससे डिवाइड कर लीजिए, जो भी होगा आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 300 मीटर, एक स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो क्या है, 300 मीटर है, फाइंड इट्स पेरीमीटर इन किलोमीटर।
एक स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो 300 मीटर है, तो आपको पेरीमीटर बताना है किसमें, किलोमीटर में। तो पहले आप क्या करिए, 300 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.3 समथिंग, ठीक है। उसके बाद उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1.2 आएगा, आई थिंक यही आएगा। हाँ 1.2 किलोमीटर, हाँ यही आएगा आंसर, ठीक है। अ स्क्वायर फील्ड हैज अ साइड 525 मीटर, आई रन टू टाइम अराउंड इट, हाउ मच डिस्टेंस डज आई ट्रेवल। एक स्क्वायर फील्ड है ठीक, जिसकी साइड 525 मीटर है, मैं उसके उसके चारों तरफ दो राउंड मतलब रन किया हूँ, तो आपको बताना कि मैंने टोटल कितना ट्रेवल किया। मान लीजिए ये फील्ड है ठीक है, तो अगर वन टाइम हम रन करेंगे तो हम क्या रन कर रहे हैं, पेरीमीटर ना, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ठीक। तो वो वन टाइम उसने राउंड, उसके वन टाइम राउंड का वो बताया पेरीमीटर ठीक है, हमको कितना जानना है, टू टाइम, तो क्या करेंगे, उस जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, फिफ्थ क्या कह रहा है, अ फील्ड हैज लेंथ 350 मीटर एंड ब्रेथ, फिफ्थ क्या कह रहा है कि अ फील्ड हैज लेंथ 350 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंच अराउंड इट। एक फील्ड है जिसका लेंथ है 350 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर ठीक है, आपको ये बताना है कि कितने कितने लेंथ की हमें वायर जरूरत पड़ेगी उसके चारों तरफ लगाने के लिए ठीक। तो लेंथ एंड ब्रेथ अगेन वही रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, पैरामीटर फाइंड आउट करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये फील्ड के आप किनारे पे तो वायर लगाओगे ना, पैरामीटर ही निकालना है, निकाल लीजिएगा। सिक्स्थ क्या कर रहा है कि अ स्क्वायर कोर्टयार्ड इज 8 मीटर इन लेंथ, एक स्क्वायर कोर्टयार्ड है जो 8 मीटर है लेंथ में ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर टू द फेंच अराउंड इट। एक स्क्वायर कोर्टयार्ड है जिसका लेंथ है 8 मीटर, आपको लेंथ ऑफ वायर बतानी है, जो चलो सिक्स्थ वाला मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है देखिए, क्योंकि स्क्वायर वाला मैंने बताया नहीं था ना, देखो हम लिखेंगे कैसे, स्क्वायर सॉरी लेंथ ऑफ साइड ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड की लेंथ ऑफ साइड क्या है 8 मीटर है ठीक। तो सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का पेरीमीटर ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंचिंग, फेंचिंग के लिए जो वायर चाहिए, फेंसिंग के लिए क्या चाहिए, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर, यही आंसर हो जाएगा ठीक है। मैंने क्या किया, लिखा कि लेंथ जो था कोर्टयार्ड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ कोर्टयार्ड, यस देखो लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू 8 मीटर ठीक। तो वायर रिक्वायर्ड, वायर कितने चाहिए होंगे फेंसिंग के लिए, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आपका क्या हो जाएगा 32 मीटर ठीक। तो ऐसे आपको करना है, करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आस्क करिएगा, ये दो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। ओके थैंक यू।